ये हसन की कॉपी है, हसन नहीं है लेकिन। ये कौन है? ये हैदर है, हैदर नाम है आपका? हाँ ये हैदर है। इतनी जल्दी गई है, तो मैं 5 मिनट लगे बाहर गई और लेकर आ गई। बेटा जो भी लगा दो, बस लगा दो। इंजेक्शन मेहंदी लगवाने का इतना शौक था मुझे, लेकिन वो कराची में लग ही नहीं पाई। फिर हमने मीना बाज़ार से लगवा ली थी, अब वो छूट गई थोड़ी थोड़ी जब वलीमे में गए, तो फिर यहाँ से हमने लगवाई। क्योंकि ये भी हसन के कॉलीग्स हैं और उन्होंने बताया कि एक साथ ही उन्होंने सीखा था ये काम, तो वो जो है वहाँ फैसलाबाद में लगा रहे हैं और हसन मेहंदी आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ कराची में लगाते हैं। मज़ेदार सी चाय भी पिलाई भाई उन्होंने, और फिर मेहंदी लगवा के तो फिर हम गए वलीमे में। अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने, बहुत प्यारी। मेहंदी के साथ साथ मैंने घड़ी भी दिखाई थी, अगर ना हुआ तो मम्मी, ये मेरी बहुत महंगी घड़ी है, मेरे मियाँ ने दी थी मुझे। हम सब ने मेहंदी लगवाई है, ये दो आगे जा रही हैं और मैं ये भी, ये भी मेरी मेहंदी। राइट्स बन रहा है ये। अच्छा उठ के चले गया था। निम्रा पीछे वो आ रहा है, सब इधर आ जा। बोले से ज्यादा दर्द बर्दाश्त की हमने। मेकअप कराने की, पहले मैं मेहंदी लगा के आ गई है देखें, और अब मैं मेकअप करवाऊंगी। यहाँ आके यहाँ का पानी पिया है तो भूख तो लगेगी ना भाई, हाजिम हो गया बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। तुम पहले जवाब दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं वलीमे में, और ये मैं अपनी लाइफ में सेकंड टाइम जो है वो फॉरन से तैयार हुई हूँ इतनी बड़ी उम्र में। सोचे बारात में तैयार हुई थी, अभी वाली में मैं, तो ये है मेरा फाइनल लुक। मज़े की बात ये है कि कहीं शीशा नहीं लगा हुआ, तो उसमें हम लुक भी नहीं दिखा सकते पूरा। भैया समरीन तूने आज मायों का सूट पहन लिया है, और मैंने और समरीन ने मेहंदी लगवाई है। समरीन दिखाइए मेहंदी कैसी लगी। ये हसन वाली मेहंदी है, यहाँ पे उसके कुलीग होते हैं, उन्होंने लगाई है। इतना कोई लेट हो गया ना हमारा कि हम 6 बजे का कार्ड पर टाइम लिखा हुआ था, 7 बजे हम रेडी थे, और उसके बाद से अभी हम जा रहे हैं। 7 बजे डिनर टाइम लिखा हुआ था बेटा, जो कि अब 10 बजे होगा। तुम रुक गया। अभी मैं कुछ और बोलूं। ये हालात हैं भाई फैसलाबाद के, कराची वाले ऐसे ही बदनाम है कि लेट करते हैं, और ये यहाँ पे ये हो रहा है, बंद हो जाएगा और क्या होगा फिर। अच्छा बुके, बुके किसने लेना है? क्या कंडीशन है? नहीं नहीं इतना भी बांधने में होकर आया हूँ, सीधे से चलते हैं, है ना? हाँ ठीक हो गया। ये तो शुक्र है कि कराची वाले हालात नहीं है बस, वरना तो हम इस टाइम पे जो ना मोबाइल छुपा के जा रहे होते। कहाँ जा रहे हैं आप बता दीजिए। ट्रैफिक ब्लॉक है और हम लोग रास्ते में हैं, पता नहीं वलीमे में पहुँचते हैं या वलीमा ख़त्म हो जाता है, हम घर वापस आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। पहुँच गए बिलाखिर, पहुँच गए हम। इतना ट्रैफिक रास्ते में, इतना ट्रैफिक कि हम लोग पहुँच गए। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सब कुछ बनता है, लिहाजा फौरन से कर दे। क्या हुआ? अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तुम भी अच्छी लग रही हो।
क्या भाई, बहुत लेट हो गया यार। 6 बजे का टाइम था, 7 बजे डिनर था, अभी 10 बजने वाले हैं और अभी हम गेट पर ही खड़े हैं क्योंकि ट्रैफिक में दूसरी गाड़ी भी फंस गई है। समरीन लोग भी नहीं आए अभी तक, रूट भी ना आज ही यानी कंजेस्टेड भी होने थे और आज ही रोड ब्लॉक होना था, सब कुछ आज ही होना था, तो अभी हमने एंट्री करी ही नहीं है और एंट्री होगी भी नहीं क्योंकि टाइम ही ख़त्म हो गया। कंट्रोल कंट्रोल 10 बजे तक का टाइम था और 10 में 20 काम है, 20 मिनट में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई रसम होगी, ना लेना देना होगा, ना तस्वीरें होंगी, ना कुछ होगा और ना खाना होगा। खाना चलो ना भी हो, बंदा होटल पे खा लेता यार जाके, बिला वजह में मेरा अभी बीपी इतना हाई हो रहा है यहाँ बैठे बैठे भी। अपने तासुरत बयान करो भूख के मारे, भूख के मारे बाल खराब हो गए। ये दोनों अलग परेशान, वो अलग परेशान। रोने की क्या बात है, आ मैं तस्वीर ले लूँ अच्छी सी आपकी। नहीं निम्रा आप ही घर पे आएगी ना, घर पे मिल लेना। चलो आओ तस्वीरें लेते, आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आओ ना। क्या करूँ तस्वीरें लूँ, कौन ले रहा है? चलो जाओ तुम लोग, जाओ तुम लोग, चलो चलो बेटा। उसको रोना शुरू कर दिया उसने यार, उसको भूख लग रही है उसको, आओ। फिलहाल देखिए एंट्री हो रही है, मेरा बीबी आई हो रहा है, हाँ खाए में। अब इस वक्त कौन सी एंट्री होती है, जब सब खाना खा रहे होंगे हम एंट्री कर रहे होंगे। गजब बेइज्जती है। ये निछावर कर रहे हो, मार रहे हो यार। दूसरी का है, आगे आओ। टेबल पे जाना है, डायरेक्टली टेबल पे जाना, डायरेक्टली टेबल पे जाना है। प्रियो सभी ना, नहीं नहीं खा लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, आओ सर, इन लोगों को बिठा रही हूँ ना मैं। सभी ना आओ, ये मेन्यू है जी। सही है, मैं कल भेज दूंगी, आप दे दीजिए। हाँ आ जाओ, खाना डायरेक्ट खाना। अपने टीका सही कर, मैंने तो ना उससे मैं अपने बाल वाल सब बांध दिए थे। बेफिक्र होके खा समरीन, यही बैठे रात तक। तो ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे किटकैट लगी हुई है, नाम लिखे हुए, पता नहीं है किसका नाम है, मेरी बहन का नाम है, जानकारी को बता दूँ। फाइनली अभी खिला दिए पप्पा को, अभी गया अम्मी को, अभी गया सीधा। ये खिजरा की सालगिरह का केक जो कटिंग हुआ था, ये हम अभी खा रहे हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।